हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, जैसे जैसे टाइम जा रहा है वेव सोल एनर्जी में लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। आज भी गिरावट हुई और 614 रुपीज़ पर शेयर आया है, जबकि 52 वीक हाई था 750 रुपीज़। सवाल ये है कि वेव सोल एनर्जी गिर क्यों रहा है और कब भागेगा? फ्रेंड्स, वेव सोल एनर्जी का शेयर एक्चुअली इस न्यूज़ के कारण भागा था कि कंपनी का जो बंद हुआ प्लांट था वो फरवरी में शुरू हुआ था, तो मार्केट को बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट काफ़ी शानदार आएगा और इसी बेसिस के ऊपर वेव सोल में लगातार तेज़ी देखने को मिली। बट एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशन कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया है और कंपनी ने अभी तक क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर की नहीं है। हालाँकि ऑलमोस्ट सभी कंपनियों ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर कर दी और काफ़ी कंपनी के रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक कंफ्यूजन का माहौल हो चुका है, थोड़ा सा डर का माहौल हो चुका है कि भाई कंपनी का क्या कारण है, कितना डिले कर रही है क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर करने में। और इसी के कारण शेयर में हमें लगातार थोड़ा बहुत जम देखने को मिलता है, फिर से गिरावट होती है, थोड़ा जम देखने को मिलता है और फिर से गिरावट देखने को मिलती है। यही चल रहा है वेव सोल में। तो जैसे ही क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर होगी तो वहाँ से तेज़ी फिर से बन सकती है, एंटिसिपेशन में कि क्वार्टर का रिजल्ट बढ़िया आने वाला है। दो साल के बाद कंपनी करीब करीब फिर से प्रोडक्शन में आई है, तो रेवेन्यू जनरेट तो हुआ ही होगा और प्रॉफिट भी जनरेट हुआ होगा। तो यही देखने वाली बात है कि रिजल्ट का डेट कब आता है। जब तक रिजल्ट का डेट नहीं आएगा वेव सोल में हमें ऐसे ही थोड़ी बहुत गिरावट, थोड़ा बहुत साइडवेज जाना ऐसा ही देखने को मिलेगा। बट जैसे ही रिजल्ट का डेट डिक्लेयर होगा क्वार्टर फोर का, हो सकता है फिर से हमें इसमें स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट देखने को मिले, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा वेव सोल में। जब तक क्वार्टर फोर का रिजल्ट नहीं आएगा तेज़ी नहीं आएगी, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आशा करते हैं कंपनी की ओर से आजकल में ही क्वार्टर फोर के रिजल्ट के डेट्स डिक्लेयर हो जाए और शेयर फिर से रॉकेट बन जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।